नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन फॉर्क एंड जॉइन। अगर आप इस प्रीसीडेंस ग्राफ को देखें तो जैसा कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पार बिगिन पार एंड से सिंपल वे में ये सॉल्व नहीं होगा, सेमाफोर हमको यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्क एंड जॉइन से, तो कोई भी प्रीसीडेंस ग्राफ कैसा भी हो, हम फॉर्क एंड जॉइन से उसको लिख सकते हैं। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, कितनी जगह ऐसी हैं जहां जॉइनिंग हो रही है, S6 और S7 दो जगह हैं, तो दो वेरिएबल लगेंगे C1 और C2, और वेरिएबल्स की वैल्यू वो होगी जितने लोग जॉइन कर रहे हैं। S6 पे भी दो और S7 पे भी दो, तो C1 = 2 एंड C2 = 2। नाउ अब चलते हैं S1 फॉर्क। नाउ अब आता है आपका S2 एंड S3, तो लेवल 1 दैट इज S3 और लेवल 1, क्लियर। लेवल 1 में कौन जाएगा, S2, S3 तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है, नेक्स्ट उसके बाद S4। S4 फर्दर स्प्लिट कर रहा है किसको, S5 और S6 में। अब वो ध्यान से देखना, फॉर्क लेबल 2, एक और लेबल लगाया, और मैं S6 डायरेक्टली नहीं लिख सकता। S5 ओनली किस पे डिपेंडेंट था, S4 पे। एज सून एज S4 कंप्लीट होता है, S5 स्टार्ट हो सकता है, लेकिन S6 नहीं हो सकता। S6 पे तो जॉइनिंग है, तो मैं काम करता हूं, यहां पर मैं S5 लिख लेता हूं, क्लियर है, और फिर लेबल 2 में मैं S6 लिख लेता हूं। लेकिन लेबल 2 में S6 लिखने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको तो जॉइन करवाना है, और वो S6 का जो जॉइनिंग है वो C1 है। तो S6 पे कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो S4 लेबल 2 और वो ज्वाइन कर रहा है, और एक S3 ज्वाइन कर रहा है, दैट इज गो टू लेबल 2, क्लियर है। नाउ अब S7 की अगर मैं बात करता हूं, तो S7 को कौन कर रहा है, एक तो S6 ज्वाइन कर रहा है, तो सिंपली यहीं पर लिख सकते हैं ज्वाइन C2, और ये एक लेबल नया बनाते हैं लेबल 3। एक S6 खुद ज्वाइन करेगा और एक S5, तो गो टू लेबल 3, क्लियर, और ये S7। तो ये आपका जो फॉर्क एंड ज्वाइन का कोड है, ये आपका कह सकते हैं इस प्रीसीडेंस ग्राफ के लिए करेक्ट है या ना। जैसा मैं ऑलरेडी बताता आया हूं, आप अपने हिसाब से अपना कोड लिख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, S5 अगर आपको किसी को भी चेक करना है, लेट S7, S7 पे दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन C2, C2 की वैल्यू 2 है, मतलब दो लोग ज्वाइन करेंगे, एक जस उसके ऊपर वाला कंटिन्यूटी में, अगर गो टू नहीं है तो, अगर वो कहीं और जा रहा है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। S6 S7 को एक तो S6 ज्वाइन कर रहा है, और लेवल 3 में कौन कहां पे गो टू है, एक S5, यस ठीक, क्लियर। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। नाउ अब अपन चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे, जो कि इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है, नाउ उसको देखते हैं। अगर मैं इस सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो 3 जगह ज्वाइनिंग हो रही है, S4 पे, S7 पे और S8 पे, क्लियर। तो C1 2, C2 2 और C3 3, क्लियर है। S4 पे 2 की जॉइनिंग है,
S7 पे भी दो की ज्वाइनिंग है और S8 पे तीन की ज्वाइनिंग है, तो ये तीन मैंने वेरिएबल्स बना दिया। नाउ अब अपन चलते हैं S1 फॉर्क, S2 आराम से क्रिएट हो सकता है बिना हेडेक के, और लेबल थ्री अभी से लिख देंगे तो फिर नंबर बहुत बढ़ जाएगा अननेसेसरी। नाउ S3 ओनली वन किस पे डिपेंड कर रहा है? S1 पे, तो चला। S2 किसको चला रहा है? S4 को, है ना? लेकिन S4 अकेला S2 पे डिपेंडेंट नहीं है, S3 और S2 दोनों पे है। तो एक काम करते हैं, ज्वाइन ये आप C1 ले लीजिए, इसको एक लेबल का नाम दीजिए और यहां पर S4 लिख लो, क्लियर है? नाउ लेकिन अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो S3 डायरेक्ट S4 पे ज्वाइन हो जा रहा है, लेकिन S3 बेचारा स्प्लिट भी तो हो रहा है, तो ये बातचीत यहां गलत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस चीज को अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, फॉर द टाइमिंग फॉर्क लेबल 2 और S3 किसको कर रहा है? एक तो लेबल 2 जो कि क्या है, S7, लेकिन S7 अकेला किस पे डिपेंडेंट नहीं है, S3 पे, वो भी किसी पे डिपेंडेंट है। तो लेबल 2 जहां लिखेंगे वहां पे भी आपको ज्वाइन करना है, और S3 जो दूसरा पार्ट आप लिखेंगे वहां पर भी आपको ज्वाइन करना है। तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे कि S3 फॉर्क कर रहा है एक लेबल 2 पे और एक जना ज्वाइन कर रहा है, क्लियर? लेबल 2 और ये लेबल 3 ले लेते, और लेबल 3 पे कौन ज्वाइन कर रहा है? लेबल 3 पे एक तो S3 ज्वाइन कर रहा है जो S4 को करेगा, और एक S2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लेबल लिखना है, दैट इज लेबल 3, क्लियर है? तो S2 भी ज्वाइन कर रहा है S4 को, और S3 फॉर्क के थ्रू ज्वाइन कर रहा है S4 को, ठीक है? एक काम तो ये हो गया। अब बात आती है लेबल 2 फॉर 7 लिखना है, लेकिन वो ज्वाइनिंग होना है, तो वो अपन लेटर ऑन लिख देते हैं। अब अपने को काम क्या करना है, अपने को काम करना है S4 जो कि 3 में डिवाइड है, तो 3 में ऑलरेडी आप जानते हो लेबल 4 S5, लेबल 4 अगेन फॉर्क, इसके बाद आपका क्या है लेबल 5, अगेन आपका S6, और ये आपका लेबल 5। अब सुनना, अब मुझे S7 लिखना है, तो S7 के लिए हमने ऑलरेडी एक लेबल डिफाइन कर रखा है, वो कौन सा वाला है? लेबल 2। तो ये नाम कौन सा है? लेबल 2, क्लियर? तो ये लेबल 2 आप कह लीजिए, क्लियर? नाउ इसमें मैंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कौन कौन कर रहा है? एक ज्वाइन कर रहा है आपका लेबल 2 मतलब फॉर्क जिसने किया, मतलब लेबल 4 मतलब S4, S4 ज्वाइन करवा रहे हैं C2, S4 कर रहा है, और साथ में S3 लेबल 2 पे जा रहा है, वो भी ज्वाइन कर रहा है, दोनों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और लास्ट में आपका क्या लिखेंगे आप? S7, क्लियर? अब S8 की बात आती है, S8 को कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं? S7 कर रहे हैं, S6 कर रहे हैं, S5 कर रहा है। तो एक काम करते हैं, सिंपल यहां पर ज्वाइन लिख सकते हैं, ज्वाइन C3, और ये आप एक और लेबल देख लेते हैं कौन सा है, लेट इज लेबल 5, न्यू लेबल। एक S7 ज्वाइन करेगा, एक S6 से ले जाते हैं गो टू लेबल 5, और एक और S5 से करेंगे गो टू लेबल 5, क्लियर है? सबके पीछे सेमी कॉलन लगा सकते हो, अपने को एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्लियर दैट इज C3 और ये आपका S8 तब चलेगा जब आपका S7, S6 और S5 तीनों लोग ज्वाइन करें। तीन जगह ज्वाइनिंग हुई है, कहां कहां? S4 से पहले दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, S7 से पहले दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, S8 में तीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, S8 तीन लोग, C3 क्लियर। C3 की वैल्यू 3 है, एक तो उसके जस्ट ऊपर अगर गो टू नहीं है उसके बीच में तो S7 कर रहा है, ठीक है। लेवल 5 S6, लेवल 5 S5, ये तीनों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं S7 को देखूं तो S7 को C2 मतलब दो, कौन कौन? एक तो जस्ट ऊपर वाला, लेकिन गो टू है मतलब ऊपर वाले से मतलब नहीं है। लेवल 2 कहां है? एक तो ये रहा लेवल 2 लेकिन वो फोर्क है, मतलब लेवल 4, लेवल 4 मतलब फोर्क, उसका मतलब S4 कर रहा है, और एक लेवल 2 S3, S3 और S4 दोनों S7 को कर रहे हैं, यस ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप प्रीसीडेंस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग फॉर्क एंड जॉइन लिख सकते, क्लियर। नाउ जैसा कि हर बार मैं बोलता आया हूं, कोड आपका डिफरेंट हो सकता है, बस मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं उतनी गैपिंग छोड़ करके चल रहा हूं कि कहां किस लेवल तक एक्सटेंड हो सकता। तो गो टू का स्पेस है, जब आप लिखेंगे तो हो सकता है आप गो टू का स्पेस भी ना रख पाए और गचड़ पचड़ हो जाए, लेकिन कोड करेक्ट होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इज देयर एनी डाउट?